तो अब हम लोग बात करेंगे कुछ स्टैट्स की। स्टैट्स मतलब स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है कि जैसे भी आपको भी डेटा आपको मिलता है तो सबसे पहले आप उसमें स्टैट्स ही लगाते हो, ठीक है। तो स्टैट्स का मतलब क्या होगा, जैसे आपको मीन पता करना है, ठीक है, और क्या पता करना है बताओ, डिविएशन पता करना है, स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है, मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, सम पता करना है आपको, और क्या पता करते हो बताओ, एवरेज तो मीन ही हो गया, और बताओ, काउंट पता करते हो, ठीक है, मीडियन पता करते हो, ठीक, और मिनिमम कौन सी वैल्यू है उसमें, मैक्स कौन सी वैल्यू है, ठीक है, ए बी एब्स्ट्रैक्ट वैल्यू पता करते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको कहाँ मिलती हैं, ये सब आपको मिलती हैं स्टैट्स में, ठीक है। तो ये हम लोग लगा के देखेंगे कि आखिरकार हम लोग ये चीज़ें कैसे बना सकते हैं और कैसे ये वैल्यू हम डिराइव करके, मतलब इस वैल्यू को कैसे हम निकाल सकते हैं ताकि आने वाले जो भी हमारे एनालिसिस होगा उसमें इसको यूज़ किया जा सके, ठीक है। ये एक पहली सी बात है कि एनालिसिस हो रही है, हमारे अभी तो हम एनालिसिस पे हैं। तो क्या होता है कि जब भी आप एनालिसिस किसी भी चीज़ को करना चाहते हो तो आपको मीन उसका पता होना चाहिए, तभी तो आप स्टैट्स कुछ तभी तो स्टैट्स के फॉर्मूला लगेंगे जब आपको कुछ पता होगा उसके बारे में, ठीक है। तो उन्हीं सब चीज़ों को यहाँ पे इस लेक्चर में हम पता करेंगे और इसमें से कुछ चीज़ों को हम निकाल के भी देखेंगे कि आखिरकार उसकी वैल्यू आती है तो उससे फ़ायदा क्या होता है, ठीक है। चलो तो देखते हैं। अब देखो, हमने पहले इसको कर्नल को रीस्टार्ट कर लिया है, उसके बाद मैंने इंपोर्ट करके ये मैंने पहले ही बना दिया है क्योंकि टाइम लगता है। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक ग्रेड बढ़ा दिया है और दो वैल्यू और दे दी है ताकि हमको इस पर कुछ मैनिपुलेशन करना है तो थोड़ा सा वैल्यू ज़्यादा रहेंगी तो अच्छा लगेगा थोड़ा, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं इस पर मैनिपुलेशन करना, मतलब कि स्टैटिक्स लगाना। तो सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सम निकालेंगे, ठीक है, सब निकालते हैं। चलो तो अब हमारे पास df2 है, तो प्रिंट, क्योंकि हमको किसी भी वेरिएबल में इसको देना नहीं है तो हम लोग सीधे सीधे क्या करेंगे, हम लोग सीधे सीधे प्रिंट करा के बस चेक करेंगे। अगर मुझे किसी को मतलब किसी में इसकी वैल्यू को या सम को मुझे देना होता है, मतलब पुट करना होता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे उस वेरिएबल का नाम लेके इक्वल टू करके df2 लिखता, ठीक है। लेकिन चूंकि मुझे कुछ कहीं वेरिएबल में डालना नहीं है तो मैं इसको एज ए प्रिंट ही करा के सिर्फ देख चेक कर लेंगे, ठीक है। तो सम, अब सम करके देखते हैं। तो देखो एज का सम कितना है, 100 है टोटल, मतलब कि ये जो एज का सम है, देखो 10 20 10 10+20 30, 30+30 60 और +40 कितना हुआ, 100। और ग्रेड का सम कितना है, 16.4। और देखो जो नेम है वो भी जुड़ गया है, नेम जुड़ने पर क्या हुआ है, जो भी ये नाम है उसके आगे सारे नाम जुड़ते चले गए हैं, ठीक है। तो मतलब एक लंबा स्ट्रिंग बन जाएगा आपका, ठीक है। अब आप चाहते हो कि नहीं सर, मेरे को इस पे से तो करना नहीं था, मैं ये जोड़ना चाहता हूँ, ठीक है। ये एक्सिस क्या है, अभी देखो ये एक्सिस क्या है, जीरो। जीरो एक्सिस का मतलब क्या होता है कि आप कॉलम वाइज जोड़ रहे हो। कॉलम वाइज का जोड़ने का मतलब ये नहीं कि LX10 4.6 जुड़ गया, नहीं, कॉलम वाइज का मतलब हो गया कि आप एक कॉलम को चूज कर रहे हो और उसके सारे रोज को आप जोड़ दे रहे हो, ठीक है। ये आता है आपका एक्सिस जीरो। अब एक्सिस वन करना है आपको, मतलब कि आपको रोज को जोड़ना है, ठीक है, आपको रोज को भी जो जोड़ना हो सकता है। तो रोज को जोड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक्सिस का नाम दे देना होगा, एक्सिस वन है, ठीक है, डिफॉल्ट जीरो था, एक्सिस वन कर दो। तो देखो ये क्या दे रहा है, 14.6, 23.8, 33.4 और 44.5। ये क्या है, 10+4.6 14.6, 20+3.8 23.8। तो ये क्या हुआ, ये आपके एक्सिस वन पे किया है, मतलब कि एक रोज को इतने पकड़ा और उसके सारे कॉलम्स को जोड़ दिया जिसमें कि आपका 10 और 4.6 था, ठीक है। हालांकि ये आपको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि एलेक्स को 10 में जोड़ना इस बार सही नहीं, आपको अगर ये जोड़ना होगा कभी, ये जो ग्रेड को अगर जोड़ना है तो आप क्या करोगे, इसको अलग वेरिएबल में सिर्फ ये जो ग्रेड लोगे उसको जोड़ दोगे, ठीक है, समझ में आ रही है, ठीक है। फिर बाद में इसको जो जुड़ा हुआ, जैसे मान लो कि ये एज ग्रेड है, ठीक है, एज ग्रेड को जोड़ना है तो मैं 10 और 10 4.6, ये कितना हुआ, 14.6। तो इसका एक टोटल बनाओगे यहाँ पे और उस टोटल को बाद में क्या करोगे, इसमें कॉलम की तरह एक ऐड कर दोगे, ठीक है, सीरीज ऐड करना जैसे पिछली बार में दिखाया था हमने, उसी तरीके से आप ऐड करोगे, इसको एज इट इज नहीं जोड़ोगे कभी भी, ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती, ठीक। अब क्या करना है हमें, अब मीन निकालना है,
चलो भैया मीन भी निकाल लेते हैं। तो मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट करें। अरे तो पहले कहा गया, इसी को करते हैं। अब मीन निकालना है हमको, तो df2.mean का मीन होता है सीधे सीधे, मेरे नहीं है, मीन है। ठीक है, अब मीन निकालना है। तो मीन देखो क्या हुआ, एज का आ गया 25 मीन, भाई 100 डिवाइडेड बाय 4, और 4.1 आ गया तुम्हारा ग्रेड का, मतलब एवरेज वैल्यू। अब इन चारों को जोड़ के, जो भी ग्रेड का वैल्यू आएगा उसको डिवाइडेड बाई 4 कर दिया इसने। ठीक है, विश्वास ना हो इस पे तो आप कैलकुलेट कर लो। ठीक है, अब बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। अब देखो जिस तरीके से तुम आगे बढ़ना चाहते हो आराम से बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सब फंक्शन को सिर्फ डॉट लगा के आप कर सकते हो। ठीक है, जो जो आपको फंक्शन मिले आप इसको उस तरीके से कर सकते हो। जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे निकालना है, तो देखो एज का स्टैंडर्ड डेविएशन 12 है, ग्रेड का 0.53 है। ठीक है, अब इसका क्या यूज़ है, इसको किस लिए यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये सब हम बाद में देखेंगे। अभी आप सिर्फ निकाल सकते हो, ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और भी डिफरेंट फंक्शंस हैं, उसको आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट इन सब में फंक्शन होता है ना, वो फंक्शन होता है डिस्क्राइब। डिस्क्राइब क्यों फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे हमारे पास मीन था, अब इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, डिस्क्राइब। डिस्क्राइब का मतलब जो भी आपका डेटा सेट है उसके जो कॉलम्स हैं उसको वो डिस्क्राइब करता है। डिस्क्राइब करने का मतलब देखो क्या होता है, समरी देता है। ठीक, अब समरी देखो क्या हुआ, समरी देखो ये हुआ, कितने हैं, चार हैं। ठीक, चार ही हमारे पास डेटा है, देखो चार हमारे पास डेटा है कि नहीं, चार ही डेटा है। एज, एज कहाँ है, एज देखो चार डेटा है, 10, 20, 30, 40। ठीक है, एज हम काउंट मिल गया, दोनों में चार हैं। एक का मीन जो हम उतना देर से निकाल रहे थे, मीन एक का कितना है, 25 है, और 4.1 है निकाल चुके हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन देखो निकाल चुके हैं, मिनिमम वैल्यू उसकी 10 है, मैक्स इसकी मिनिमम वैल्यू 3.5 है। देखो ठीक है, 3.5 और 10। ठीक, अब देखो 25% जो है वो 17.50 के अंदर लाई कर रहा है, और 3.725 के अंदर लाई कर रहा है। 50% जो है वो 25 है। ठीक है, 25 के अंदर क्या है, 50% लाई कर रहे हैं। अब देखो कैसे लाई कर रहे हैं, ये देखो 25 के नीचे देखो 20 और 10 कितने, किसके नीचे आ रहे हैं, 25 के नीचे आ रहे हैं ना। ठीक है, और देखो 25 यहाँ क्या दिखा रहा है, 4.15, देखो 4.15 के नीचे आ रहे हैं कि नहीं, ये 3.8 और 3.5। ठीक है, तो 25 उसी तरीके से 75% वैल्यू किसके पहले लाई कर रही है, 32 तक लाई कर रही है, और ये 4.5 तक लाई कर रही है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 40 है, इसकी 4.6 है। तो आपने जो भी पहले निकाला है वो सीधे सीधे आपने डिस्क्राइब किया, और सारा का सारा आपके सामने आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ है डिस्क्राइब। ठीक है, अब देखो डिस्क्राइब में यहाँ पे आप कहोगे सर एज और ग्रेड है, क्या हम कभी भी और भी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे जो हमारे पास नाम है उसमें हम कुछ करना चाहें, तो वो चीज़ देखते हैं अभी। ठीक है, दो तीन ऑप्शन इसके आगे इंक्लूड का ऑप्शन आता है, उसको हम लोग देखते हैं। तो फिलहाल इसको कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि इसी पे हमें सब कुछ मैनिपुलेशन करना है, तो हम थोड़ा अलग सेल में उसको करते हैं। ठीक है, अब डिस्क्राइब के नीचे हमको क्या करना है, अंदर हमको इंक्लूड बताना है कि किसको किसको इंक्लूड कर सकते हैं या किसको एक्सक्लूड करना है। अगर मैं चाहूँ तो ग्रेड को यहाँ एक्सक्लूड कर दूँ तो सिर्फ एज दिखाएगा। ठीक है, लेकिन हमको अभी सिर्फ इंक्लूड पे ध्यान देना है। तो इंक्लूड में अभी कौन सा इंक्लूड कर सकते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट इंक्लूड कर सकते हैं क्या? देखो ऑब्जेक्ट जो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, बाय डिफॉल्ट ये सिर्फ नंबर लेता है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नहीं तुम नंबर ना लो खाली, तुम और क्या करो, तुम ऑब्जेक्ट भी ले लो। ठीक है, तो देखो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि 4, 4, LX और 1, फ्रिक्वेंसी 1। तो ये देखो काउंट 4 है, ये तुम्हें समझ में आ गया, यूनिक 4 है ये भी समझ में आ गया, टॉप LX है इसका मतलब अभी तुमको समझ में नहीं आ रहा, और फ्रिक्वेंसी 1 है ये क्या। चलो फिर से इसको करके देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, एलेक्स ये रैंडमली चूज किया है। क्यों रैंडमली चूज किया है, क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी भी 1 है और बाकियों की भी फ्रिक्वेंसी 1 है। ठीक है, अगर मैं इसको, चलो सेमी को हटा के मैं इसको अगर JD कर दूं, ठीक है, तो मेरे पास JD 2 हो गए, 2 JD हो गए। अब हम क्या करेंगे, अब अगर हम डिस्क्राइब करते हैं तो देखो क्या होगा, JD दे दिया, यूनिक 3, JD मतलब टोटल 4 हैं, यूनिक उसमें से 3 है क्योंकि 2 तो JD ही हैं।
तो जे डी और फ्रिक्वेंसी इसकी कितनी है, दो। ठीक है, क्योंकि इससे पहले वो क्या कर रहा था, वो रैंडमली चूज कर रहा था, कोई भी एक उठा लेगा। ठीक है, हो सकता है कि आप 10 बार प्रोग्राम रन करो तो हो सकता है एक बार कोई और उठा ले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लेकिन यहाँ पे वो जब जे डी ही देगा, क्यों, क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी 2 है। तो टॉप पे कौन है इस वक्त, कौन सबसे ज्यादा आया है, वो जे डी आया है। ठीक है, और इसके अलावा भी एक होता है कि ठीक है सर, अगर मान लो कि मैं दो, यहाँ तो आपने अलग अलग कर दिया है कि नंबर एक जगह और ऑब्जेक्ट एक जगह, अगर मेरे को दोनों एक ही साथ देखना हो तो मैं क्या करूँ, तो कुछ नहीं करना है आपको, आपको जो ये ऑब्जेक्ट है इसको दूसरे सेल में ले जाते हैं पहले। ये जो ऑब्जेक्ट है आपका, इस ऑब्जेक्ट की जगह आपको क्या करना है, सिर्फ ऑल लिख देना है। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ किए हैं क्या हम? इंक्लूड डिस्क्राइब इंक्लूड ऑल। ठीक है, अब क्या होगा कि आपके, आप देखो ये जो इतना पोर्शन है, इतना पोर्शन जो है इसमें देखो, तो खाली एज और ग्रेड को दिखा दिया कि हाँ भाई काउंट इतना है, और बाकी सब एनएन दिखा रहा है। क्यों, क्योंकि भाई यूनिक से उसको मतलब ही नहीं है, यूनिक होता कुछ तब ना इसमें मिलता। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं इसको 33.5 की जगह इसको भी 20 कर दूँ। ठीक है, 20 कर दिया मैंने, देखो 20 22 आ गए, लेकिन मुझे ये चलाना है बस। ठीक है, उसको कोई मतलब नहीं है उससे, ठीक है उसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो इतना पोर्शन जो चल रहा है, ये चल रहा है आपका ऑब्जेक्ट का, तो इतने पोर्शन के लिए नंबर कोई मतलब नहीं रखा है। ठीक है, नंबर से कोई मतलब नहीं है, बात समझ में आ रही है, नंबर से इतने में कोई मतलब नहीं, क्योंकि इतना पोर्शन जो चल रहा है वो चल रहा है ऑब्जेक्ट का। तो ऐसा नहीं कि आप मिक्स नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ एक साथ देख सकते हो सारी चीज़ें। ठीक है, तो डिस्क्राइब इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा अपने दिमाग में बनाए रखना, क्योंकि कभी भी जब भी आपको डेटा सेट मिलेगा तो आप क्या करोगे, उसको पहले डिस्क्राइब करके उसकी चीज़ों को देखोगे कि इसमें क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। ठीक है, कितने वैल्यू कितने के बीच में लाई कर रही है, ये सब एक बार देखना जरूरी होता है। ठीक है,